हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को हुआ था, वहीं सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को हुआ था। शाहरुख खान की उम्र 58 साल हो चुकी है, वहीं सलमान खान भी 2024 के हिसाब से 58 साल के हो चुके हैं। शाहरुख खान का जन्म नई दिल्ली में हुआ था, वहीं सलमान खान का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। शाहरुख खान के फादर मिर्ताज मोहम्मद खान सरकारी चीफ इंजीनियर थे, वहीं सलमान खान के फादर सलीम खान बॉलीवुड के फेमस लेखक हैं। शाहरुख खान की मदर लतीफ़ फातिमा खान एक मजिस्ट्रेट थी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बेहद ही करीबी थी। वहीं सलमान खान की मदर सुशीला चरक एक हाउसवाइफ हैं। शाहरुख खान ने 1992 में दीवाना फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, वहीं सलमान खान ने 1988 में बीवी हो तो ऐसी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। शाहरुख खान ने अब तक 67 मूवी के अंदर काम किया है, वहीं सलमान खान ने अब तक 84 मूवी के अंदर काम किया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट सलमान खान को मिलता है। शाहरुख खान के अब तक 24 मूवी फ्लॉप हो चुके हैं, वहीं सलमान खान की अब तक 28 मूवी फ्लॉप रही है। तो यहाँ पर लगभग दोनों की बहुत कम फिल्में फ्लॉप रही हैं, तो दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है। शाहरुख खान की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है जवान, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीबन 1150 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं सलमान खान की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है बजरंगी भाईजान, और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीबन 921 करोड़ कमाए थे। तो यहाँ पर एक पॉइंट शाहरुख खान को मिलता है। शाहरुख खान की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है पठान, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीबन 1050 करोड़ रुपये कमाए थी। वहीं सलमान खान की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है सुल्तान, और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 623 करोड़ की कमाई की थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट शाहरुख खान को मिलता है। शाहरुख खान की फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली मूवी है जवान, जिसने अपने पहले ही दिन 129 करोड़ की कमाई की थी। वहीं सलमान खान की ओपनिंग डे पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है टाइगर 3, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीबन 94 करोड़ रुपये कमाई थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट शाहरुख खान को मिलता है। शाहरुख खान की लास्ट मूवी थी डंकी, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 452 करोड़ कमाए थे। वहीं सलमान खान की लास्ट मूवी थी टाइगर 3, और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीबन 462 करोड़ कमाई थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट सलमान खान को मिलता है। शाहरुख खान की अब तक 16 मूवी ने 100 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे की कमाई की है, वहीं सलमान खान की अब तक 17 मूवी 100 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे कमाई कर चुकी है। तो यहाँ पर एक पॉइंट सलमान खान को मिलता है। शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ही अपनी हर एक मूवी के लिए 100 करोड़ की फीस चार्ज करते हैं, और मूवी के सक्सेस होने पे मूवी के प्रॉफिट से शेयर भी लेते हैं। शाहरुख खान एक एडवर्टाइजमेंट के लिए करीबन 5 करोड़ की फीस लेते हैं, वहीं सलमान खान अपनी एक एडवर्टाइजमेंट के लिए करीबन 7 करोड़ फीस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट सलमान खान को मिलता है। शाहरुख खान की नेटवर्क तकरीबन 63,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, वहीं सलमान खान का नेटवर्क तकरीबन 29 करोड़ है। तो यहाँ पर एक पॉइंट शाहरुख खान को मिलता है। शाहरुख खान को अब तक 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है, वहीं सलमान खान को अब तक सिर्फ 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो यहाँ पर एक पॉइंट शाहरुख खान को मिलता है। शाहरुख खान के फेवरेट एक्टर हैं बलराज साहनी और दिलीप कुमार, वहीं सलमान खान के फेवरेट एक्टर हैं थालाजीत और दिलीप कुमार। शाहरुख खान की फेवरेट एक्ट्रेस है मधुबाला, वहीं सलमान खान की फेवरेट एक्ट्रेस है हेमा मालिनी। शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी होने वाली है पठान 2 और टाइगर वर्सेस पठान, वहीं सलमान खान के नेक्स्ट मूवी होने वाली है द बुल एंड टाइगर वर्सेस पठान।